हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ अलग तरीके का साइट एक्सपीरियंस देने वाला हूं। आप सब ने कई बार पढ़ा होगा ब्लस्टर्स 40mm के होते हैं, रेलवे लाइन पर यूज होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो 40mm के ब्लस्टर्स को ब्रेक करके पहाड़ों से आप तक पहुंचाया जाता है, यानी रेलवे लाइन पे पहुंचाया जाता है, किस तरीके से लोग उसको डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, जहां पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरे दोस्त की एक साइट है, ये पूरा पहाड़ है। तो उन्होंने पहाड़ पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करके ब्लस्टर्स का पूरा टेंडर ले रखा है और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। मीन्स वो लोग ब्लस्टर्स उनके पास होते हैं, बम के थ्रू इसको क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद कुछ यहाँ पे पीसेस निकलते हैं। आप पीसेस देखिए, पीछे आपको ढेर सारे पीसेस मिलेंगे। इन पीसेस को हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रेलवे लाइन में, कई जगहों पर इसको यूज करते हैं। अच्छे सैंड को पहचानने की सबसे अच्छी जो तरकीब होती है, दैट इज मैक्सिमम वाटर एडजशन ऑफ स्टोन इज 5%। अगर इस स्टोन को मैं लूँ और 5 इसको लेके मैं पानी में डालूं और कल वेट करूं, अगर इसके वेट से 5% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब ये पत्थर खराब है। पर अगर नहीं तो ये पत्थर अच्छा है। इस तरीके से इस पत्थर की जांच करते हैं और इस पत्थर को खुदाई करके देखेंगे। आप यहाँ पे पानी का सिस्टम देखिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा नीचे तक लेवल लेके चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी आ जाता है। फिर उस पानी को सूखने का वेट करते हैं, जब वो सूखेगा तभी होगा। और इस पत्थर की खासियत की अगर आप तोड़ते हैं, उसके बाद ये पत्थर बढ़ते भी है। जैसे जैसे इनको पानी मिलेगा, ये बढ़ते बढ़ते फिर से वापस ये बढ़ते हुए आ जाते हैं। अब इन पत्थर के थ्रू कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अब जो लोग हैं वो सब वर्टिकल डेवलपमेंट प्रीफर कर रहे हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। इस पत्थर को लगाने के बाद इसको स्लैब में यूज करते थे पहले, गाटर और पटिया जो होता था, गाटर और पटिया उसमें इसको यूज करते थे। तो उसमें यूज करके हम लोग क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल मतलब एक फ्लोर दो फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते थे। पर अभी क्या हो रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में इसका लोड अगर दे देंगे तो दो फ्लोर एक फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग का जाना मुश्किल हो जाएगा। तो गार्टर पटिया जो होता था, उसमें जो गार्टर होता था उसको आई सेक्शन बोलते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, हॉट रोल स्टील आई सेक्शन, उसके ऊपर पटिया लगाई जाती थी इनकी। और पटिया मीन्स प्लेट्स, जैसे कि आप देखिए ये एक प्लेट है सामने, इस प्लेट्स को ऐसे स्लैब पर डालते थे, मीन्स गार्टर पे ऐसे डाल देते थे और ये 2x2, 3x2 का ऐसा पटिया होता था, उसके थ्रू हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते थे और इस तरीके से इसको बनाते थे। तो ये था कुछ न्यूज़, आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, मीन्स कैसे हम लोग ब्लस्टर्स को तोड़ते हैं, तोड़ के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी, यानी राइट स्टेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना। उनको भी पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।